ये देखिए आज आईडी भी देखिए मैं संभल में हूँ। अरे क्या कर रहे हो यार, के लोगों ने मन बना लिया है जो सबसे बड़ी हार बीजेपी की होगी देश में। संभल के लोग भी बीजेपी को सबसे बड़ी हार दिलाने जा रहे हैं। अरे पीछे रखो आईडी। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी नहीं दी और अब तो भाषा बदल गई। ये भाषा हारने वालों की होगी। जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो हार के रुझान हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जिन पिछड़े दलित आदिवासियों का हक और सम्मान इन्होंने छीना, जो संविधान अधिकार देता है जिसको छीना, उसकी बात कर रहे हैं। सोचिए आप कहां 400 पार, कहां आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और ये संविधान बदलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और एक वोट डालने का जो अधिकार है वो भी छिन जाएगा। इसलिए देश की जनता बीजेपी को हराने जा रही है। अखिलेश जी बलिया के, आपके बलिया के प्रत्याशी जो डीएम के खिलाफ बात कह रहे थे, बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। देखिए मुकदमा स्वाभाविक है जो बात कही है, लेकिन किसी भाव में कह दी होगी। मुकदमा तो उन पे भी दर्ज होना चाहिए जो बड़े मंचों से बड़ी जगह से आकर के संविधान और देश की गंगा जमुनी तहजीब, हमारे भाईचारे के खिलाफ, जो हमारी मिलीजुली संस्कृति के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा? और हमने पिछले चुनाव में देखा आपके बिजनौर में, सहारनपुर में, और दूर क्यों जाएं, रामपुर में प्रशासन ने पुलिस लगा करके वोट को छीन लिया था। अगर उन्होंने ये बात कही है तो उन्हें शक है, क्योंकि पिछली बार भी वो मामूली वोट से हराए गए थे। चुनाव लड़ रहे हैं। अरे अगर लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, माहौल बन गया। अगर आपको पता लग गया हो तो अच्छी बात है। क्या लग रहा है सर, क्या दोनों के यहाँ से लड़ने से माहौल चेंज होगा? अरे भाई तुम लोग, हमें क्या पता क्या होने जा रहा है, लेकिन एक चीज मुझे पता है, समाजवादी पार्टी, पीडीए परिवार, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है।